कार्यालय कलेक्टर लोकसभा प्रबंधक विभाग जबलपुर जिला प्रबंधन लोकसभा के पद पर भर्ती निकली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम तिथि 25/6/2023 है। आवेदन का प्रारूप अर्हताएं संविदा के करने की अंतिम तिथि 25/6 है। नियुक्ति के साथ mponline.gov.in के माध्यम से आप अपना आवेदन भर सकते हैं। जिला प्रबंधक लोकसेवा को ₹35,000 एक जाई मासिक दे मानदेय प्राप्त होगा। तो इसकी जानकारी हम आगे वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। जिला कलेक्टर कार्यालय जबलपुर में पदों पर भर्ती निकली है जिसकी लास्ट डेट 25 तारीख है। तो जल्दी से हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ क्योंकि टाइम भी कम बचा है और बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना है तो आप सभी से मुलाकात भी नहीं की है। तो चलिए नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर लोकसेवा प्रबंधन विभाग जबलपुर जिला मध्य प्रदेश लोकसेवा के पद पर भर्ती निकली है कार्यालय कलेक्टर जिला जबलपुर में। आवेदन पत्र mponline के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/6/2023 रहेगी। आवेदन का प्रारूप अर्हताएं योग्यताएं संविदा की नियुक्ति की शर्त आपको www.mpgov.in पर देखने को मिल जाएगी। जिला प्रबंधक लोकसेवा को सैलरी मिलेगी ₹35,000 पर मंथ। कार्यालय कलेक्टर द्वारा अनुमोदित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कार्यालय कलेक्टर जिला जबलपुर लोकसेवा विभाग के यहाँ पर साइन अप को देखने को मिल रहेंगे। बात कर लेते हैं कार्यालय कलेक्टर जिला विभाग की रिक्त पदों की। तो जिला लोकसेवा प्रबंधक का एक पद है टोटल, जो कि सभी के लिए सुरक्षित है, ST SC OBC सभी के लिए। एकमुश्त वेतन दिया गया ₹35,000 पर मंथ। मान्यता प्राप्त संस्था से MBA अथवा विज्ञान समूह में स्नातक आपको होना चाहिए। कंप्यूटर के व्यावहारिक ज्ञान सहित कंप्यूटर में डिप्लोमा भी आपको होना चाहिए। न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष होना चाहिए 1/1/2023 के अनुसार। पुरुष, अगर आप पुरुष के अनारक्षित श्रेणी से आवेदन करना चाहते हैं तो 40 वर्ष आपको न्यूनतम उम्र रहेगी। महिला आवेदक के लिए 45 वर्ष रहेगी। पुरुष महिला आवेदक का सहायक शासकीय निगम संस्था के कर्मचारी अगर तथा नगर सैनिक है तो 45 वर्ष आपकी उम्र चलेगी। पुरुष महिला आवेदक का अनारक्षित वर्ग अनुसूचित जनजाति जनजाति के लिए भी 45 वर्ष, सभी के लिए 45 वर्ष बस, अनारक्षित पुरुष के लिए 40 वर्ष आपकी उम्र रहेगी। अधिकतम आयु 45 से 48 वर्ष होना चाहिए। आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन शुल्क आपको ₹500 रहेगा और सामान्य के लिए ₹300, ST SC के लिए रहेगा। ठीक है, सामान्य के लिए 500 और ST SC के लिए ₹300 रहेगा। यहाँ पर यदि MBA अयोग्यता धारण की करने वाली उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते हैं तब कंडीशन 2 एवं 3 में उल्लेखित श्रेणी के आवेदकों को एक साथ लिया जाएगा। अर्थात MBA में स्नातकोत्तर को क्वालिफाई एग्जाम में प्राप्त अंक के आधार पर एक ही सूची में रखा जाएगा। इस प्रकार दो सूची बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दो आवेदकों के सामान्य अंक प्राप्त होने पर वरीयता आवेदक अधिक आयु वाले को दिए जाएगी। जिले अंतिम सूची फाइनल अंतिम मेरिट लिस्ट है जिले की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगी। साक्षात्कार के पूर्व जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा साक्षात्कार हेतु योग्य उम्मीदवार के निम्न मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। 10वीं 12वीं की अंक सूची और हाईस्कूल सर्टिफिकेट आपको बताना पड़ेगा। फाइनल देखिए, विज्ञापन का प्रकाशन 12/6/2023 को हो चुका था। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करना है 15/6/2023 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके थे। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25/6/2023 है। मेरिट लिस्ट साक्षात्कार हेतु प्रथम 10 विद्यार्थियों की सूची जारी कब हो जाएगी 30/6/2023 को। बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए लेकर आ गए हूँ। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें बिल्कुल कर सकते हो। दोस्तों मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्द